मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं यहाँ पर ही हूँ और कहीं जाने वाला नहीं हूँ। जब तक आपको मैं मैथ में 100 out of 100 मार्क नहीं ला के दूंगा, तब तक मैं कहीं पर भी जाने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों, 3 parallel lines एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसके ऊपर ये फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉपर्टी के ऊपर पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर किताबों की बात की जाए तो ज्योमेट्री के पेज नंबर 12 पर ये प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है, एक्टिविटी हमको दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमको यहाँ पे 3 parallel lines हमको दी है, ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ हमको दिया हुआ है, तो वही हम लिख देते हैं। देयरफोर गिवन हमको दिया है, गिवन में हमको दिया है, क्या दिया है, ए बी, ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पे सेगमेंट भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेगमेंट ए बी पैरेलल सेगमेंट सी डी, सेगमेंट सी डी पैरेलल सेगमेंट सी एफ, सी एफ सेगमेंट सी एफ, ये पैरेलल हमको दिया है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, नहीं भी लिखा फिर भी चलता है। तो बाय यूजिंग 3 parallel lines एंड देयर ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, तो ये वाला टुकड़ा अपॉन ये वाला टुकड़ा, ये वाला हुक्काड़ अपॉन ये वाला हुक्काड़, इन दो टुकड़े का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये अपॉन ये कर देते यहाँ पे, तो ए सी अपॉन सी ई, तो ए सी अपॉन सी ई इक्वल टू क्या होगा, ये बी डी यहाँ पे आएगा, बी डी अपॉन डी एफ, डी एफ इस तरह से हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम, 3 parallel lines, 3 parallel lines प्रॉपर्टी, 3 parallel lines प्रॉपर्टी से हम कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सी की वैल्यू हमको दी है, तो ए सी दिया है हमको 5.4, तो 5.4 अपॉन सी हमको दिया है 9, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 इक्वल टू, बी डी हमको दिया है 7.5, तो 7.5 अपॉन यहाँ पे दिया है डी एफ, और डी एफ हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको, इस तरह से, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे चलो, तो इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे हम, क्या होगा 5.4 इंटू डी एफ, तो 5.4 इंटू डी एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 7.5, तो 9 इंटू 7.5 यहाँ पे डी एफ की वैल्यू हमको निकालनी, तो डी एफ ऐसा रहने दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या डी एफ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 9 इंटू 7.5, और यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा डिवाइड में, तो 5.4 इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको पॉइंट को हटाना है। कैसे हटाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, मतलब सिंगल नंबर है, पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है, पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है, मतलब क्या होगा, सिंगल सिंगल है तो कट जाएंगे, मतलब दोनों पॉइंट कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगा 9 into 7.5, यहाँ पे बचेगा 5.4 मतलब 54 इस तरह से आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन हो सकता है, कैसे होगा, तो 9 बन जा 9, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो ये 6 यहाँ पर आ गए, कितना बचा हमारे पास यहाँ पे, तो 75 डिवाइड बाय 6 यहाँ पे बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, तो 6 बन जा 6, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे 15 होगा, तो 6 बन जा 6, 6 2 जा
12.0 कितना बचा यहाँ पे 3 और यहाँ पे जीरो कर देते मतलब पॉइंट लेते कितना बचा 6.65 जाएगा। तो इस तरह से हमारा आएगा डीएफ कितना आएगा 12.5 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 12.5 इस तरह से। है ना आसान, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम अगर 3 पैरेलल लाइंस है और आपको कुछ वैल्यू दी जाती है तो आप इस तरह से सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले ये वाला, उसके बाद ये इंटरसेप्ट लिख दीजिए, और यहाँ पे क्यों लिखा हमने तो 3 पैरेलल लाइंस एंड लाइंस प्रॉपर्टी है, और इसके बाद उसके वैल्यू पुट कर दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। एक सेकंड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इसी के जैसा।